हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हाईटेक बिल सॉफ्ट में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम संजय। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कैश ड्रॉअर मशीन को कैसे इंस्टॉल करते हैं। कल के वीडियो में आपने देखा होंगे कि हमने अनबॉक्सिंग किया कैश ड्रॉअर मशीन को। यह आपके सामने कैश ड्रॉअर मशीन है, जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं, और इसका एक केबल है। ये केबल आपको जस्ट आपको प्रिंटर में अटैच करना होता है। जैसे मेरे पास TVS का प्रिंटर मॉडल RP3150 स्टार है, इसमें RJ11 केबल का एक सॉकेट दिया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये केबल जो है प्रिंटर का, जो कैश ड्रॉअर जो मशीन का जो केबल है, ये आपको जस्ट आपको प्रिंटर के साथ में अटैच कर देना है। सिंपली आपने अटैच कर दिया। अब हम हाईटेक प्रिंट सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे और एक सिंपली एक बिलिंग करेंगे। जैसे ही हम बिलिंग करेंगे, जैसे ये मेरे पास बारकोड स्कैनर रखा हुआ है, बारकोड स्कैनर से मैं आइटम को स्कैन करूंगा और आइटम इस तरीके से ऐड हो जाएगा। अनलिमिटेड आइटम बारकोड से स्कैन करेंगे, जनरेट टैक्स इनवॉइस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम पेमेंट रिसीव करने का ऑप्शन आएगा। पेमेंट रिसीव करेंगे हम, जैसे ही पेमेंट यहाँ पे हम रिसीव कर लेंगे एंड सेव एंड प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से प्रिंट आउट हो जाएगा। और जैसे ही प्रिंट आउट होगा, ऐसे कैश ड्रॉअर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो कैश ड्रॉअर में यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। अगर आपको नोट रखने हैं तो नोट के लिए ये ऑप्शन है, और अगर आप कॉइंस चिल्लर रखने हैं तो ये ऑप्शन है। एक बार फिर से कि मैं आपको करके बताता हूँ कि कैसे कैश ड्रॉअर ओपन होता है, कैश ड्रॉअर कैसे ओपन होता है। एक बार फिर से कि हम देखते हैं, फिर से कि हम एक बिलिंग करते हैं। हमने यहाँ पे एक POS पॉइंट ऑफ सेल बिलिंग इंजन का यूज़ कर रहे हैं। ये हमारे पास बारकोड स्कैनर है और बारकोड स्कैनर का यूज़ करेंगे और सिंपली हम एक बिलिंग करेंगे। ये बारकोड स्कैनर का हमने यूज़ किया और इस तरीके से आइटम ऐड हो गए। जनरेट टैक्स इनवॉइस पे हम क्लिक करेंगे और जनरेट टैक्स इनवॉइस पे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे हम पेमेंट रिसीव कर लेते हैं। 54,000 रुपीज का यहाँ पे पेमेंट आया हुआ है। और इसके बाद सेव एंड प्रिंट पे क्लिक करेंगे और आप देख पाएंगे कि कैश ड्रॉअर मशीन भी खुल गई है और ये आपका बिल भी जनरेट हो गया है। इस तरीके से कैश ड्रॉअर मशीन काम करती है। अगर आप भी अपने बिजनेस में कैश ड्रॉअर मशीन का यूज करते हैं और करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है कौन सी मशीन ये सपोर्ट करती है और कौन से प्रिंटर के साथ में ये सपोर्ट करती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो अगर आप भी कैश ड्रॉअर मशीन का यूज़ करते हैं तो सिंपली इस तरीके से आपको कॉन्फिगर करना है। प्रिंटर में RJ11 केबल लगाना है। RJ11 केबल लगाने के बाद में जैसे ही आप प्रिंट आउट निकालेंगे, वैसे ही ऑटोमेटिकली आपका कैश ड्रॉअर ओपन हो जाएगा। अगेन एक बार फिर से कि मैं आपको प्रिंट आउट निकाल के बता देता हूँ और कैश ड्रॉअर मशीन कैसे काम करती दिखा देता हूँ। ये सिंपली एक आइटम ऐड कर दिया और जनरेट टैक्स इनवॉइस पर हमने क्लिक कर दिया और यहाँ से हमने पेमेंट रिसीव कर लिया। यहाँ से हमने पेमेंट को एक बार फिर से रिसीव कर लेंगे, सेव एंड प्रिंट करेंगे। जैसे ही आप सेव करेंगे, प्रिंट आउट इनवॉइस का प्रिंट आउट के साथ साथ में टैक्स ड्रॉअर भी खुल जाएगा। टैक्स ड्रॉअर में कैसे खुलेंगे, टैक्स सेव एंड प्रिंट कर दिया, इस तरीके से कैश ड्रॉअर मशीन ऑटोमेटिकली खुल जाएगी और ये आपका इनवॉइस भी प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से आप अपने बिजनेस में भी कैश ड्रॉअर मशीन का यूज़ कर सकते हैं और बिजनेस में होने वाली कैश की चोरी को बचा सकते हैं। और बहुत ही एडवांस फीचर्स हैं और इस मशीन को बाय करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। किसी भी टाइप की कोई टेक्निकल सपोर्ट रहे तो स्क्रीन के नीचे में नंबर दिए हुए हैं। की का यूज़ करके भी डायरेक्ट इसे आप ओपन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। सिंपली आपको की से लॉक कर देना है, ये की है, और की से आप यहाँ से सिंपली इसे ओपन कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका मैनुअल भी काम करता है और ऑटोमेटिक भी काम करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।